लाओ मुझे दो। वो शेक लूजर कहीं के, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अच्छे अकेले खेलने वाले। तुम्हें पता है मैं असली गेम में टीम के साथ खेलता हूँ फाइटर, पर यहाँ कम ऑन। शेक लूजर कहीं के, शेक लूजर कहीं के। वाओ, ये स्कारा तो असली जैसा ही है। हाँ, वो तुमसे नफरत करता है शेक। बहुत अच्छे प्रोफेसर सर, ये चीज तो कमाल है। थैंक्स कैप्टन रास्ता। सिमुलेशन खत्म हो रहा है। 3, 2, 1। मजा आ गया। वाओ, वो कमाल है। ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे ख्याल से मैं अब कह सकता हूँ कि हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। इससे तो अच्छा होता हम असली बारिश में खेलते कोच, इस हेलमेट ने मेरे बाल बिगाड़ दिए। प्रोफेसर, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। वाओ, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा शेक। मेरा सिम्युलेटर सुपर लीग हिस्ट्री के किसी भी प्लेयर को सिम्युलेट कर सकता है। तो आपके पास सबसे अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं? बस मुझे जरा पैरामीटर्स एडजस्ट करने हैं, स्किल लिमिट बढ़ानी है और एलरियटे आसमान का बादशाह। वाह क्या बात है, वो लोग तो बॉल को जमीन पर लगने ही नहीं देते थे। एडविन सांबर स्किल्स का राजा, आज तक बॉल पर एडविन जितना काबू कोई नहीं कर पाया। स्पाइक डॉसन गोलकीपर्स की आफत, उन्हें यूं ही ऑसम डॉसन नहीं कहते थे। और आखिर में हमारे प्यारे, हमारे अपने टेक्टिकल जीनियस कोच। पर एक स्टाइल जीनियस नहीं, जरा उनके बाल देखो। उस जमाने में ऐसे बालों का फैशन था। क्या मतलब उस जमाने में? ऐसा करने का सोचना भी नहीं शेख। मैंने सब कुछ प्लान किया है और मैं अपने शेड्यूल को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम सबसे कल मिलूंगा असली वाली ट्रेनिंग के लिए। आज तो मजा आ गया। अच्छी प्रैक्टिस थी दोस्तों। सही कहा। ध्यान से सुनो बॉयज, 2 दिन बाद अगर ऐसा ही खेलोगे तो इनविंसिबल यूनाइटेड की हार तो पक्की है, पर सेमीफाइनल की तैयारी के लिए तुम्हें बस एक और काम करना होगा। रिलैक्स, कल तुम्हारी छुट्टी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। और हाँ, ध्यान रहे, गेम से पहले बस आराम ही करना। चलता हूं दोस्तों, कल मिलेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो डिंगान? तुम्हारे साथ जासूसी, ऐसे में कुछ खाना तो बनता ही है उसकारा। सेमीफाइनल से 2 दिन पहले नहीं बेवकूफ। हाँ तो वो सुपर स्ट्राइकर्स क्या कर रहे हैं? पता नहीं विंस, प्रैक्टिस या फिर टाइम पास, मुझे क्या पता लगाना है। ऐसा कुछ भी जो सेमीफाइनल में हमारे लिए फायदेमंद हो। मैच भले ही 2 दिन बाद है लेकिन कंपटीशन शुरू हो चुका है। वो है क्या? 4 seasons फ्लेवर। चमकते बालों का असली राज है 4 shampoo। यार मैं चाहे जो भी करूं मेरे बाल ऐसे ही रहते। तुम्हें बदबू आ रही है क्या? ओ फाइटर, तुम्हें पता है ना प्रैक्टिस के बाद अपने मोजे बदल लिया करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मोजे बस एक ही बार पहनता हूँ, फिर उन्हें इंटरनेट पर बेच देता हूँ। हे शेक, तुम मेरे घर पर नया पैडल पावर गेम खेलने चलोगे? उसके ग्राफिक्स कमाल के हैं। वाओ, पर फिर कभी थैंक्स।
सॉरी स्कारा। हमारे सामने तुम्हारी गंदी टकार से भी बड़ी प्रॉब्लम है। शेक के दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम्हें ये कैसे पता स्कारा? कोई बहुत खास चीज ही उसे एक नए वीडियो गेम से दूर रख सकती है। यकीन नहीं होता कि मैं सच में आप सबका सामना करने वाला हूं। बस एक गेम, कोच ने आराम करने के लिए कहा है। ठीक है लेजेंड्स, देखते हैं आप सब में वाकई कोई बात थी या नहीं। हाय, ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप फुटबॉल अपनी बातों से ज्यादा अच्छा खेलते होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स को नुकसान पहुंचाना है, अपनी इज्जत को नहीं। वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग। ओह वाओ, शेक का सामना लेजेंड्स की पूरी टीम से। अच्छा है मैं स्नैक्स ले आया। वो मुझे दो। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना खराब है? ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत, जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। यार, प्रोफेसर ने आप सब के बारे में बिल्कुल सही कहा था, पर अब मुझे अपने असली दुनिया में वापस जाना। पेट का ख्याल रखो ब्लॉक। धूप से तुम बीमार हो जाओगे फाइटर। कोच, मुझे पता है आप नहीं चाहते हमें गेम से पहले कुछ भी हो, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सावधानी में ही समझदारी है टाइगर। हेलो कोच, आप अभी मेरी लैब में आ जाइए, इसी वक्त। Hey, मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो मोजे भी नहीं पहने हैं। ये बदबू है बदमाशी की। किसी ने मेरी मशीन खराब कर दी और शेक को भी। क्या प्रोफेसर, उसे वहाँ से बाहर निकाल? नहीं निकाल सकता, सोडा ने कंसोल खराब कर दिया। हम उसे वहाँ से खींच नहीं सकते? नहीं, अगर हमने अभी उसे सिमुलेशन से बाहर खींचा तो उसका दिमाग, यूं समझ लो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। शेक वहाँ से बाहर तभी आ पाएगा
जब वो वहां जीतेगा। नहीं होता, यहां से निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। कोई मेरी मदद करो। शेख उन लेजेंड्स को अकेले कभी नहीं हरा पाएगा। हो क्या? अगर तुम नहीं जीत पाए तो हमेशा के लिए वहां फंस जाओगे। हमें ये खतरा उठाना ही होगा। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं। हाँ सही कहा। हाँ हाँ दोस्त बिल्कुल। देख लिया ना सब अकेले ही करने का नतीजा शेख। तुम सब मेरे लिए आए, पर इसका मतलब तुम सब भी यहाँ फंस गए हो ना? कोई कहीं नहीं फंसने वाला शेख। हे, तो फिर ये क्या है? हमें बस उन लेजेंड्स को हराना है और हम आजाद हो जाएंगे। वैसे भी दोस्त हम एक टीम हैं। हम जीतेंगे एक साथ और हम हारेंगे एक साथ। हाँ, और हम हमेशा के लिए वर्चुअल रियलिटी में फंस जाएंगे एक साथ। वैसे तो मुझे सिर्फ गेम देखने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। हाँ कर सकते हो। जरा मुझे वो स्क्रू ड्राइवर दो प्लीज। हाँ से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत। जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। लेजेंड्स, अब मिलिए फ्यूचर लेजेंड्स से। लेजेंड हूं, पर वो चारों तो लेजेंड्स हैं। इस सिमुलेटर का मुझसे क्या दुश्मनी है? उन्हें अंदर गए घंटों हो गए। शेख बुरी तरह से फंसा होगा। स्कारा, क्या तुम्हें सुपर स्ट्राइकर्स के बारे में कुछ पता चला? आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या किया विंस। अब तो सेमीफाइनल को जीतना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। अभी रखता हूँ। फ्यू, माना कि तुम अच्छाई से कोसों दूर हो स्कारा, पर इस बार तो तुमने हद ही कर दी। हाँ, तो जब हम जीतेंगे तब हमारी हद देख लेना। अब मेरी कार से बाहर निकलो। क्या? हे, चाबी वापस करो। अच्छा ठीक है। स्कारा, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चिप्स खा लिए। कोई भी मेरी टीम की तैयारी बिगाड़ नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। कोई बचा?
ध्यान से सुनो बॉयज। ताकत, एकता, हिम्मत। जो अच्छा है वही जीतता है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मिटा दिया जाएगा। सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर इनकी बातें सच में सरदर्द बन रही हैं? तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी बात से एक आइडिया आया है। ये प्लेयर्स के सिमुलेशंस हैं। वो सब अच्छे हैं पर वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं। सॉरी कोच, आपने ही सामने वाले की हर चाल याद रखना सिखाया था। ये वाला मैंने आपसे सीखा था और ये मूव मेरा अपना है। बॉल नीचे रखना। जाओ, जाओ, जाओ। कोच, मुझे खुद से नफरत है। अच्छा था दोस्तों, बहुत अच्छा। बस कुछ ही गेम्स में हम उन्हें हरा देंगे। एक्चुअली ये सिमुलेशन अब काबू से बाहर हो गया है। अगर तुम अगले गेम में नहीं जीते तो तुम शिफ्ट डिलीट हो जाओगे, रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलोगे, गायब, खत्म, मिट जाओगे। मेरे ख्याल से वो समझ गए। गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करें? प्लेयर के सामने प्लेयर, वो लेजेंड्स हमसे बेहतर हैं। अच्छी स्पीच दी कैप्टन। पर एक बात बताओ, उन्होंने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी है? सबने अलग पहनी है। हाँ, क्योंकि वो एक टीम नहीं है। पर अगर हम एक होकर खेलें तो उन्हें हरा सकते हैं, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। दिल भर आया। अब हमारी बारी, हमें ये अभी खत्म करना होगा वरना समझो खेल खत्म। इनविंसिबल यूनाइटेड आ गए हैं। पर अजीब बात है, होम टीम अब तक आई नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोच तो वक्के पक्के हैं ब्रेंडा। ये तो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। वैसे तुम्हारे लिए ये नहीं कह सकता। स्कारा, आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स आ गए हैं।
आमने सामने। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा मैच? मुझे नहीं पता ब्रेंडा, पर नतीजा जो भी हो ये मुकाबला तो सच में यादगार रहेगा। टैक्टिकल डिवीजन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। या नाइन, तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के मेन प्लेयर का पता लगाया? डा, शेक और फाइटर सुपर स्ट्राइकर्स के सारे गोल्स करते हैं। सही कहा ऊपर सर, पर उनमें से 65% गोल सिर्फ एक इंसान की वजह से होते हैं। कौन? क्लाउस। अगर हमने उसे रोका तो सुपर स्ट्राइकर्स के गोल्स बंद हो जाएंगे। और हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे अच्छे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, Strikers! Super Strikers! अल्पाइन होटल में स्वागत है बॉयज। तुम सब अपने अपने रूममेट जानते ही हो। डिफेंस का बादशाह। ओ या, हमें लेफ्ट विंग में रख दो। अरे नहीं, हम राइट विंग लेंगे। ओ हाँ शेक, रूमी पावर। मैं ये नहीं बोलने वाला। चलो भी, मजा आएगा। रूमी पावर। मैं अब भी नहीं समझा मुझे अकेले क्यों रहना होगा। अपने खर्राटे सुन लो फिर समझ जाओ। एक मालगाड़ी जैसी आवाज करता है। सुबह ठीक 6:30 बजे मिलेंगे, लेट मत होना। शेक, 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 उठो शेक, हम लेट हो गए। शेक, क्लाउस तैयार हो गए या नहीं? हम तैयार हैं कोच। थैंक्स दोस्त, आज तो बाल बाल बचे। रूमी पावर। रूमी पावर। इसे कहते हैं रूमी पावर। हे गाइस, एक छोटा इंटरव्यू हो जाए? हाँ जरूर, जैसा तुम कहो। तो फाइटर शेक, पिछले 5 गेम्स में तुम दोनों ने मिलकर 7 गोल्स किए, ये कैसे कर लेते हो? इसका पूरा क्रेडिट मेरे साथियों को मिलता है लीना, पर इसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और थोड़ा सा क्रेडिट शेक को भी। हम फॉर्म में है क्योंकि क्लाउस फॉर्म में है। हाय, क्या ये वो है? मैं क्लाउस हूँ। मिस्टर क्लाउस, हमें आपका ही इंतजार था। कमाल है क्लाउस बेबी डार्लिंग, तुम आ गए। मैं हूँ विनर हॉट डॉग, तुम्हारा डायरेक्टर। तो क्या तुम बनना चाहोगे टेलीविजन के नए सुपरस्टार? कैटमैन? ओह वाओ, पर
मैं ही क्यों? चलो भी क्लाउस, तुम एक एथलीट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम कैटमैन के लिए परफेक्ट हो। हाँ शायद। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे हो, जन से हीरोज, कमाल के असिस्टेंट्स वाले। कमाल के असिस्टेंट्स वाले। तो पेश है डॉग बॉय। गुड डॉग बॉय। और तुम फनी भी हो, तुम तो कैमरा के लिए ही बने हो। कोच इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। देखो डॉग बॉय, वो रहा हमारा जानी दुश्मन द चकला। उसे चकला क्यों कहते हैं कैटमैन? क्योंकि वो बहुत हंसता है। नहीं डॉग बॉय, क्योंकि हंसकर चीजें फेंकता है। चलो हो जाए कैच बंगा। क्या कलाम तक किया है। तकिया कलाम कहो, तकिया कलाम। तुम अपनी लाइंस याद क्यों नहीं करते डॉग बॉय क्लाउस की तरह? तो आपका क्या ख्याल है? इसका प्लॉट कमजोर है, कैरेक्टर बड़ा ही अजीब है और एंडिंग पर अभी काफी काम करना बाकी है। हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मेरा मतलब क्लाउस के एक्सपेरिमेंट से था। मैं कुछ समझा नहीं, इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ। कैटमैन और डॉग बॉय का होटल एल्पाइन में 2400 घंटे टेलीकास्ट होगा। यार, हर चैनल पर एक ही शो है। हर तरफ क्लाउस को सिर्फ वही दिखेगा। हीरो की तरह। कैटमैन का नाम सबकी जुबान पर होगा। उस कैटमैन जैसे शानदार एक्टर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। ये सब क्लाउस को कैसे रोकेगा? हाँ, ये सब देखकर तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। Exactly. पर ये ताकतवर होने का झूठा कॉन्फिडेंस ही क्लाउस को लालची बनाएगा। वो ये मानने लगेगा कि वो ऐसा हीरो है जो सब कुछ अकेले कर सकता है। मैं हूँ कैटमैन, जिसके पास है कैट प्लान। प्लीज उन कैटमैन को मुझसे दूर करो। ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? शेक और फाइटर को गोल्स मिलना बंद हो जाएंगे और सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिक्र मत करो रूमी, मैं उठ चुका हूँ। हाँ शेक, क्लाउस तैयार हो? तैयार है कोच। जल्दी करो क्लाउस, तुम्हारे दांतों को और सफाई की जरूरत नहीं है, उसमें एक भी कैविटी नहीं है। मैंने सही कहा ना? ड्यूड्स, कैटमैन का हुनर तो कमाल का है और डॉग बॉय वो तो जैसे मार खाने के लिए ही बना है। वैसे कैटमैन एंड डॉग बॉय ठीक ठाक है, फिर भी अच्छा है। आ, पहले 2 घंटे तो मुझे वो बोरिंग लगा, पर तीसरे से मैं दीवाना हो गया। हे, तुम्हें पता है कोच आज सुबह भी राउंड पर आए थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। तो तुम थे कहाँ? मैं गया था दौड़ने। हाँ मैं दौड़ रहा था। अब तुम्हारे लिए तैयार है क्लाउस, तुम्हें तरीका पता है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। जन से ही हीरो हो। चलो दे दो। हाँ? के?
गेम प्लान को मत बिगाड़ो क्लाउस। मैंने जगह देखी थी कोच, मैं स्कोर कर देता। कर देता कर लेता, पर नहीं किया। मैं ये कर लूंगा, हमेशा करता हूँ। हे क्लाउस, तुम ठीक हो दोस्त? तुम प्रैक्टिस में बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। मेरे बर्ताव में कोई खराबी नहीं शेक। देखो मैं, मुझे जरा जल्दी सोना है, कल सुबह फिर दौड़ने जाना है। हे, मैं भी चलूंगा। नहीं शेक, रहने दो, अगर तुम आए तो हमें कोच से कौन बचाएगा? रूमी पावा? हाँ रूमी पावा। ठीक है रूमी, चलो देखें तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ? क्लाउस कैटमैन है, पर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगली बार मैं उन दोनों को साथ में नहीं रखूंगा। शेक, क्लाउस, तुम दोनों अब तक तैयार हुए या? अभी आए कोच। बस अभी आए कोच, बस अभी आए कोच। अंदर जाना बिल्कुल मना है, खास आदेश है। ओ, मैं क्लाउस का दोस्त हूँ। अच्छा, तो और भी खास आदेश, क्लाउस का दोस्त नहीं जा सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। तब तो सबसे खास आदेश, सुपर स्ट्राइकर्स बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है। अजीब है, मुझे क्लाउस से बात करनी होगी, पर कैसे? क्लाउस बेबी डार्लिंग, मैं देखने को बेकरार हूँ, आज तुम हमें कौन से नए कारनामे दिखाओगे? डॉग बॉय, तुम लेट हो फिर से, तुम कैटमैन जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्लाउ, मेरा मतलब कैटमैन, क्या हम आप जरा बात कर सकते हैं? हे, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, तुम वर्कआउट करने लगे हो है ना? ओके, सब तैयार हो जाओ, तुम भी डॉग बॉय। हे, दरवाजा खोलो, मैं लेट हो जाऊंगा फिर से। अब तुम हद पार करने लगे हो चकला। अरे अभी कहाँ, अब हद पार करके दिखाता हूँ। वाह शाबाश डॉग बॉय, तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। कैटमैन, ओ कैटमैन, मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह क्लाउस, क्या चाल थी, तुम सबने देखा ना मास्टर क्लाउस ने कैसा कमाल कर दिखाया। अभी मुझे गेम जीतना है। क्लाउस रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, ये मैं हूँ शेक। सब एक्टिंग बंद करो, क्लाउस अब जा चुका है, बहुत अच्छे टैक्टिकल डिविजन। लगता है क्लाउस हमारे जाल में फंस चुका है। डॉग बॉय, कर्नल ने कहा एक्टिंग बंद करो, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। मुझे पसंद है हर वक्त कैरेक्टर में रहना। मुझे ये अच्छा लगा, इसे कहते हैं आयरन टैंक से असली वफादारी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। दोनों टीम्स के लिए ये हफ्ता थकाने वाला रहा है, और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे होटल में रहना जिसमें सिर्फ एक ही चैनल हो। म्याओ 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 कैटमैन। मैं ये गाना सुन सुनकर पक गई हूँ। क्लाउस, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं आयरन टैंक के साथ क्या करने वाला हूँ,
और तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ कोच। क्लाउस, मुझे तुमसे बात करनी है। गेम से बहुत ही अच्छा खेले हैं। क्या फाइटर और शेक अपना गोल करने का सिलसिला आज भी जारी रख पाएंगे? और गेम शुरू हो चुका है। मैं कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में जानता हूँ क्लाउस। डा, कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में सब जानते हैं। वो एक सुपर हिट शो है शेक। असल में वो कोई हिट शो नहीं है क्लाउस, वो तो सिर्फ यहाँ अल्पाइन में ही दिखाया जाता है। शेक को गोल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्लाउस को रोकने के बारे में नहीं। हाँ, अपनी जगह से हटकर खेलने का नतीजा सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ सकता है। तुम्हारा स्टाइल अजीब है, पर बात सही है। हाँ, हमारी भी एक बढ़िया जोड़ी बन सकती है। मैं कैटमैन एंड ब्रेंडा। तो तुम मेरा राज जान गए, पर कैटमैन और डॉग बॉय मेरे लिए अपना असली हुनर दिखाने का मौका है। पर यही तो बात है क्लाउस, वो तुम्हारा असली हुनर नहीं है। चलो क्लाउस। मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीधा बैंगलर के हाथों में, किक में थोड़ा दम कम था। वाह शाबाश या नाइन, ऑपरेशन अल्टर ईगो कामयाब हुआ। हाँ सही कहा उबर सर, पर मजाक कर रहा हूँ। क्लाउस, कैटमैन और डॉग बॉय उस आयरन टैंक का कोई अजीब एक्सपेरिमेंट है। शायद तुम भी फाइटर जैसा ही हो, नाराज क्योंकि तुम गोल्स नहीं कर रहे। चलो भी यार। नहीं, इसने सही कहा, मैं नाराज हूँ। प्लीज मेरी बात मानो रूमी। अगली बार मैं गोलीबो के साथ रहूंगा। चलो भी, मेरे खर्राटे इतने भी बुरे नहीं हो सकते, है ना? क्लाउस मेरी बात नहीं मान रहा, पर मुझे पता है वो किसकी बात मानेगा। क्लाउस, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बॉल को पास करो डूड। हाँ, कम ऑन क्लाउस। यकीन नहीं होता, आयरन टैंक हमारे जीतने का सिलसिला तोड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे कह रहे हो जैसे हम हार चुके हैं। हीरोज ऐसे काम नहीं करते। क्लाउस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डॉग बॉय? ओह, ये मेरा फेवरेट शो है। शेक? अब ये मेरा फेवरेट शो नहीं है। और बिना देर किए, लो अब मिलो कैटमैन से। वो, तुम कैटमैन हो? यकीन नहीं होता, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, फिर तो जरूर कोच चकलर हैं। दोस्तों, कैटमैन एक चाल है आयरन टैंक की। अरे नहीं, वो टीवी शो क्यों बनाएंगे? मैं खुद वहाँ था, मैंने ऊबर वॉन पुशअप सबको वहाँ देखा। सच में? कम ऑन। बापरे, तो इसका मतलब मैं कैटमैन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं था? क्लाउस, हर बार फुटबॉल खेलते हुए तुम एक हीरो होते हो दोस्त। डूड, आयरन टैंक तुम्हारे खेल से इतने डर गए कि तुम्हें रोकने के लिए उन्हें एक पूरा नकली टीवी शो बनाना पड़ा। यहाँ हम सब एक दूसरे के असिस्टेंट्स हैं, समझे? शेक, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और वो पाई तुम्हें लगा उसके लिए भी सॉरी। रूमी पावर? रूमी पावर। क्लाउस, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी थोड़ी एक्टिंग कर पाओगे? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए फर्स्ट हाफ काफी मुश्किल था। चलो देखें वो ब्रेक में कोई नया पैंतरा सोच पाए हैं या नहीं। फिर से गेम शुरू। बस जोक्स। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं, क्या वो पिछले कुछ गेम्स का कमाल यहाँ फिर से दिखा पाएंगे? ऐसा तो तब होगा जब क्लाउस दोनों स्ट्राइकर्स को बॉल पास करने के बारे में सोचेगा। मैक, देखो, सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक के गोल की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाउस, मैं यहाँ हूँ। चलो क्लाउस, बॉल पास करो। मैं ये कर सकता हूँ। ओह, अभी तो बीच में काफी जगह है। लगता है क्लाउस खुद ही गोल करने की सोच रहा है। मैक, नहीं, उसने तो पास कर दिया। इसे कहते हैं असली हीरो का कमाल।
क्लाउस खुद को समझता क्या है? उसने मेरे मूव चुराए। अब हम एक टीवी शो बनाएंगे जो होगा एक एक्शन ड्रामा, जिसमें होगे तुम। उसका नाम होगा अगर बचना है तो भागो और शूटिंग शुरू होगी अभी। मैंने कहा था एंडिंग बेकार है। मुझे अब भी लगता है मैं सबसे अच्छा कैटमैन बनता। मैं बनूं या ना बनूं कैटमैन, बस यही एक सवाल है। जो भी हो डूड, तुम क्लाउस के सामने तो कुछ भी नहीं हो। क्या तुम इसे साइन करोगे बिल्कुल कैटमैन की तरह? जरूर। बस इसे खुद पर हावी मत होने देना, ओके? फिक्र मत करो, मुझे नहीं बनना है कोई सुपर हीरो, मैं पहले से ही एक सुपर स्ट्राइकर हूँ। हेलो, कोई है? मुझे भूख लग रही है। मैं हूं एजेंट वन। मैं हूं एजेंट टू। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। तुम्हें मुझसे क्या काम है जेंटलमैन? मुझे एक गेम की तैयारी करनी है। सॉरी कोच, पर आप उस गेम में नहीं जा पाएंगे। ओह अच्छा, और वो भला क्यों? आपका कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या मैं ये बाद में बात कर सकता हूँ? मुझे अपने लड़कों को तैयार करना है आज के सुपर लीग रूल 8.43। बिना लाइसेंस वाले कोच अपनी टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब प्लीज हमारे साथ चलिए सर। कोच मिल गए, हम हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। कोच सर, आप कहाँ हैं? सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। मेरा कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या? मुझे फिर से सुपर लीग कोचिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही मैं गेम में आ पाऊंगा। वो आपसे आपका लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं? मुझे लगा था कोच के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है। हाँ मतलब बाकी कोचेस भी आपको कोच कहते हैं। आप और आयरन टैंक के लिए आपका गेम प्लान? हाँ, हमें उसकी जरूरत है कोच। मुझे तुम्हें सलाह देने की इजाजत नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमेशा एक पेन अपने साथ रखो, कभी भी नींद में ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है। सॉरी, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। मुझे जाना होगा, काम होते ही तुम्हें कॉल। पर गेम को शुरू होने में ज्यादा वेलकम, यह है सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। शायद अच्छा ही हुआ कि कोच बैन हो गए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बेकार मोटिवेशनल स्पीच कभी नहीं सुनी है। कोई मतलब ही नहीं था। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। मतलब क्या वो कोई कोड जैसा कुछ था? पेन अपने साथ, ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है, बैठता झाड़ियों में। पेन ड्राइव है झाड़ियों में।
ठीक है एप्लीकेंट्स, प्लीज बताओ अपना नाम और वजह इस कोचिंग टेस्ट को देने की। हाय, मैं हूँ हेलेना और मुझे आज तक की सबसे महान सुपर लीग कोच बनना है और अपने रास्ते में आने वालों को कुचलना है। नेक्स्ट। हेलो, मैं हूँ नॉर्मन या नॉर्म या आप जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं माहिर हूँ टैक्टिकल इनोवेशन में। और आखिर में सर, हेलो, मैं हूँ कोच। हाँ? और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक गेम जीतना है। किसी को कुछ मिला क्या? वाह, कोच ने आयरन टैंक के डिफेंस को पार करने के तीन तरीके सोचे हैं। बहुत अच्छे कोच। अब इन टैक्टिक्स को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल कोचिंग स्किल हो। रास्ता दो। इन टेढ़ी में ही लाइंस को फॉलो करो और बच के रहो इन बड़े एक्स से, बहुत खतरनाक लगते हैं। क्या तुम भी ना डूड? इससे क्या फायदा होगा फाइटर? फाइटर गलत नहीं है, वो सारे एक्स इस वक्त सुपर लीग में सबसे खतरनाक लोग हैं। पुशअप की फौज अपने नए डिफेंसिव फॉर्मेशन से लीग के सबसे अच्छे अटैक्स को मात दे रही है। इनसे जीतने के लिए तो कोच को बड़ा ही काबिल प्लान बनाना होगा। अब ऐसा कुछ भी करने से पहले उन्हें यहाँ गेम में आना पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? आज हम ये जांचेंगे कि आप में एक सुपर लीग कोच बनने की काबिलियत है या नहीं। और ये बात कि मैंने तीन बार ट्रॉफी जीती है मायने नहीं रखती? रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। कहना पड़ेगा कोच, मुझे ताज्जुब है आपने अपना लाइसेंस एक्सपायर होने दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। वहीं रुक जाइए सर। तुम्हें पता तो है ना इस वक्त मेरी टीम खेल रही है, इसके बिना मैं गेम को फॉलो कैसे करूंगा? मैं समझती हूँ कोच, सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। उन्हें सबसे बड़े डिफेंसिव फॉर्मेशन को पार करने का रास्ता निकालना होगा। लंबे चौड़े प्लेयर्स की दो लाइंस, मतलब आयरन कर्टन। स्ट्रेटजी वन, हम जोड़ियों में आयरन कर्टन के बाहर की ओर खेलेंगे। ओह, सुपर स्ट्राइकर काफी तेज पासिंग करते हुए, पर वो कर्टन को काटने जीती तेज साबित नहीं हुई। कर्नल वॉन पुशअप ने इस टैक्टिकल मुकाबले का पहला राउंड जीत लिया है। जब सामना करने वाला ना आए तो ऐसा होना लाजमी है। सही वक्त पर सही टैक्टिकल चॉइस करने से मैच जीत जाते हैं। इस पहले टेस्ट में आपको अपनी टीम के फॉर्मेशन को एडजस्ट करके कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियोस को मात देनी होगी। ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज होगा कोच। हो गया। हाँ? वाह, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो ट्राई करते हैं, ठीक है? ओ, फिर से सही। तो फिर ये। और कुछ बाकी है? इन्होंने तो सारे के सारे पार कर दिए। अब आगे क्या? शायद उनके आसपास रहने से ही मैं एक बेहतर कोच बन गई हूँ। तुम्हें लगता है वो यहाँ ऑटोग्राफ देंगे?
सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी टू, हम बॉल को आयरन कर्टन के ऊपर से ले जाएंगे। लगता है इस बार तो सुपर स्ट्राइकर हिट कर लेंगे। पर एक बार फिर आयरन कर्टन ने उनको मार दे दी है। लगता है कोच ने उन तक कुछ बातें पहुंचाई हैं। हमने इसकी तैयारी नहीं की थी। फिक्र मत करो, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना नामुमकिन है। दूसरे टेस्ट में आपको सामना करना होगा फुटबॉल के सबसे शातिर और चालाक पहलू का, वो है प्रेस। मैं बस अभी आई। मैं अपना नया पासवर्ड भूल गया। क्या तुमने ट्राई किया 1 2 3 4? या पासवर्ड, मैं हमेशा पासवर्ड ही रखता हूँ। क्या तुमने इसे बंद करके फिर से ऑन किया? मुझे सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपका मतलब क्या है? एक कोच बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, मोटिवेशन, टैक्टिक्स और गट इंस्टिंक्ट। और मुझे इतना अजीब तब भी नहीं लगा था जब मैंने स्ट्राइक का बस में एक पुराना एग सैंडविच खाया था। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सच पता लगाने के लिए वक्त बहुत कम है। अभी मुझे कुछ असिस्टेंट कोचेस की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। पहला कौन है? नॉर्मन, पहला सवाल। तुम्हारा सामना इनविंसिबल यूनाइटेड से होने जा रहा है, ऐसे में तुम स्कारा से कैसे निपटोगे? मेरे पास है कुछ आइडियाज। स्कारा को डिफेंस लाइंस के बीच जाने से रोकने के लिए मैं शातिर सेंटर हाफ्स का इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे इन्वर्टेड विंग बैक्स बीच में आकर उसे रोकते रहेंगे। जब स्कारा आगे आएगा तब मेरे विंग बैक्स पीछे होंगे, जब स्कारा पीछे होगा तब मेरे विंग बैक्स आगे जाएंगे। समझ गए? ग्रेट। अब दूसरा पड़ाव, जहाँ पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? मुझे नहीं लगता मेरा लाइसेंस बाई चांस एक्सपायर हुआ है, पर मुझे सबूत चाहिए। सब कुछ ठीक है, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर सोचना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है एजेंट वन। और हमें कहाँ मिलेगा वो सबूत? सिक्योरिटी फुटेज। मुझे लगने लगा है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए सिर्फ वो टेस्ट देना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हमें एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी एक तगड़े डिफेंस को तोड़ने के लिए फोर्स से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो कल रात से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्क्रीन्स पर एक साथ नजर रख रहे हैं? हाँ, एक दिन में 5 घंटों की गेम हाइलाइट्स को देखते देखते इसकी आदत पड़ जाती है। कोई खराबी? या किसी के अपने निशान छिपाने की कोशिश? ऐसे आयन टैंक वालों को गेम के ड्रॉ होने में कोई दिक्कत नहीं है। पर सुपर स्ट्राइकर्स चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल करें। स्ट्रेटजी 3, उनके आसपास भागो ताकि बीच में जगह बन जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक पर। पर कैप्टन रास्ता को जगह नहीं मिल रही है। ये सब तो उनकी
जायंट टैंक उसमें फंस गए। ओ गोल होते होते रह गया, पर आयरन टैंक का डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं, अब सुपर स्ट्राइकर्स को अपने कोच की जरूरत है। तुम सबको याद है हमने गेम के फर्स्ट हाफ में किस बारे में बात की थी? याद नहीं है, क्योंकि तुम सब ध्यान नहीं देते। कैसा रहा टेस्ट? मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच, आपकी बारी। हाफ टाइम की स्पीच एक कोच का सबसे जरूरी काम है, और आपका आखिरी टेस्ट। बड़ी अजीब बात है, मैंने एक स्पीच तैयार की है, पर वो आपके लिए नहीं है। वो स्पीच मेरी टीम के लिए है जो फील्ड पर मेरे बिना जूझ रही है, और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे फंसाया गया है। खिड़की में वो छेद, नए पासवर्ड्स, मिसिंग सिक्योरिटी फुटेज, यहां पर कोई आया था। मेरा लाइसेंस भी उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन हमारा आयरन टैंक से सामना था। बातों को जरा बीच से समझो। बीच से समझो। मैं कोच बोल रहा हूँ, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आज मैच का दिन है। चलो भी दोस्तों, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें बस इतना करना है कि नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा यार, ये कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। हेलेना, नॉर्मन, बदकिस्मती से तुम्हें फिर कोशिश करनी होगी। कोच, आपने तो बहुत 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 ही क्या आप इस कामयाबी के पल का मजा नहीं लेंगे? बस 5 मिनट में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने बॉयस तक एक मैसेज नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोच होना बेकार है, लाइसेंस हो या ना हो। इसका मतलब है आपको मिल गया है आयरन कर्टन को तोड़ने का रास्ता। तुम दोनों आ रहे हो? हार मत मानो दोस्तों, कोच हमें इसमें से निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना होगा। नॉर्मन, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक नए गेम प्लान का स्केच बनाओ। मुझे ये करने में खुशी होगी। हेलेना, हमें स्ट्राइकर लैंड पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता ढूंढो। ढूंढ लिया है। एक बात बता दूं, मेरी ड्राइविंग मेरी कोचिंग जैसी ही है। सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी वक्त हो गया है, और लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब इस गेम को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता, लगता है काफी मुश्किल वक्त चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे कोच का। सुपर स्ट्राइकर्स के सारे मूव्स खत्म हो गए हैं। अचानक आयरन टैंक जोश में आ गए हैं। क्या वो आखिरी कुछ मिनटों में खुद को जिता पाएंगे? पर सच में कोच ने सिर्फ 4 लाइंस कही थी, तो फिर उनका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो उनमें कोई मतलब नजर ही नहीं आया। सोचना छोड़ दो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। रुक जाइए कोच। रूल 8.43, बिना लाइसेंस के कोचेस अंदर नहीं आ। रूल नंबर 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन टैंक के अटैक में तेजी आ गई है। वाह, ये तो तेज से आने की हद हो गई। पर क्या कोच अपने प्लेयर्स को ये गेम जीतने में मदद कर पाएंगे? रिलैक्स, उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त मिला ही नहीं होगा, वो टेस्ट देते हुए तो बिल्कुल नहीं।
तो क्या हाल है बॉयज? बिल्कुल अच्छा नहीं कोच सर, हमारी एक भी स्ट्रेटजी काम नहीं आई। तो आयरन कर्टन के इर्द गिर्द ऊपर से और आर पार से जाने से बात नहीं बनी, इसलिए हम खेलेंगे लाइंस के बीच से। स्ट्रेटजी 4, हम आयरन कर्टन की दोनों लाइंस के बीच की जगह में खेलेंगे, जिससे आयरन टैंक वाले चिढ़कर चाल चलने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। क्या सुपर स्ट्राइकर्स वो कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए, मूव को पूरा करना? वो डिफेंसिव लाइंस के बीच में चले गए हैं। ओवर को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पोजीशन पर रहे या आगे बढ़े। चलो, चलो। कोच बनने के कितने वक्त बाद इतनी घबराहट होना बंद हो जाता है? शायद कभी नहीं। अब बहुत हुई ये बेवकूफी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरकार आयरन कर्टन को तोड़ दिया है। कमाल कर दिया असिस्टेंट। तुम दोनों ने अच्छा किया, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा अगर तुम्हें अच्छे सुपर लीग कोचेस बनना है तो। हाँ, क्योंकि कोच के सामने खेलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में सबका स्वागत है। एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हम सभी कोचेस को फिर से टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं।